हाय गाइस, स्वागत है तुम्हारे एक और नई वीडियो पे। तो आज की इस वीडियो पे मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ लैग फिक्स की सेटिंग, जिसको यूज करके तुम अपने लैग को कम कर सकते हो और अपने एफपीएस को इंक्रीज कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही मजेदार है गाइस, और यहाँ पर ये इसका पार्ट वन समझ लो तुम लोग, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी सेटिंग है जो यहाँ पर तुम लोग यूज कर सकते हो अपने लैग को कम करने के लिए। वो मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा, और उसमें मैं कंप्लीट तुम्हें यहाँ पर बताऊंगा कैसे तुम लोग अपने लैपटॉप या फिर अपने पीसी को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो गेमिंग के लिए। तो उस वीडियो के लिए भाई तुम्हें करना पड़ेगा सब्सक्राइब चैनल को, और सब्सक्राइब ही नहीं करना गाइस, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है ना उसको भी ऑल पे सेट करना, क्योंकि यार जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा तुम लोग को, और तुम लोग भाई देख लेना वीडियो को, ठीक है। तो बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, और इस वीडियो को गाइस प्लीज़ यार लाइक कर देना। तुम में से यार बहुत से लोग वीडियो देखते हो बट लाइक नहीं करते, तो भाई बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, भाई एक लाइक ही तो करना होता है तुम्हें, तो प्लीज़ कर दिया करो यार एक लाइक, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक कर देना गाइस, 200 लाइक्स का एम है, आई होप यार कंप्लीट हो जाएंगे, सो प्लीज़ लाइक कर देना 200 लाइक्स यहाँ पर। तो अभी चलते हैं अपने वीडियो पर, और यहाँ पर मैं कंप्लीट तुम्हें बताता हूँ कि क्या सेटिंग्स है। तो गाइस अभी यहाँ पर तुम लोग को अपने एमुलेटर पे आ जाना है। सबसे पहले तुम्हें अपने यहाँ पर सेटिंग पे जाना है। बेसिक सेटिंग पे एक ऑप्शन होता है क्लियर कैचे का, ठीक है। तो जब भी गेम ओपन करो तो भाई एक बार इसको यहाँ पर मतलब इस पर क्लियर कैचे कर देना, जब भी गेम ओपन करो मतलब एक ही बार करना है ये। उसके बाद तुम्हें जाना है डिस्प्ले पे गाइस। अब गाइस अगर तुम्हारा लैपटॉप या फिर पीसी है तो भाई अगर लैग कर रहा है तो ऑफकोर्स ही बात है भाई स्मूथ पे खेलोगे, अल्ट्रा या फिर स्टैंडर्ड पे तो भाई बिल्कुल सोच के भी मत खेलना, स्मूथ बेस्ट रहेगा यहाँ पर तुम्हारे उसके लिए, ठीक है। और यहाँ पर तुम लोग FPS का ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पर नॉर्मल और हाई FPS होता था, बट अपडेट के बाद तुम लोग को यहाँ पर एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा इनहेंस का। तो यहाँ पर इनहेंस्ड वाले ऑप्शन पर अगर क्लिक करके एक बार तुम लोग इस पर ट्राई कर सकते हो। मेरा यहाँ पर इनहेंस पे भी काफ़ी बढ़िया चल रहा था गेम, मतलब एक स्टेबल चल रहा था। तो इनहेंस वाले ऑप्शन पर एक बार भाई टिक कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है, मतलब बहुत ही जरूरी है इनहेंस पे करना एक बार, ठीक है। बाकी गाइस सेटिंग अगली यहाँ पर ट्राई करते हैं, वो यहाँ पर एमुलेटर सेटिंग है। एमुलेटर सेटिंग पे कुछ सेटिंग्स है जैसे कि परफॉर्मेंस पे आने के बाद गाइस, परफॉर्मेंस ये सब तुम्हें हाई रखना है, ठीक है। परफॉर्मेंस यहाँ पर जो CPU वगैरह होता है, ये रैम वगैरह सब कुछ हाई रखनी है तुम्हें। 4 core यहाँ पर मैंने रखा हुआ है क्योंकि मेरे लैपटॉप पे 4 core हैं, और मेरे लैपटॉप पे 16 GB रैम है, तो ये मैंने 4 रखा हुआ है क्योंकि इसमें 4 सबसे ज़्यादा हाई है। और जो ये कोर है ना गाइस, ये तुम्हें चेक कैसे करना है, सबसे पहले ये बताता हूँ तुम्हें। अपने टास्क बार पर राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर पर जाना है, और यहाँ पर तुम्हें जाना है गाइस परफॉर्मेंस पे, ठीक है। परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर तुम लोग को देखने को मिल जाते हैं तुम्हारे कोर कितने तुम्हारे लैपटॉप पे या फिर तुम्हारे पीसी पे। मेरे में 4 core है तो मैंने इसलिए इसको पूरे रखे हैं, मतलब 4 core है तो भाई 4 के 4 मैंने रखे हुए हैं, बट कुछ यूट्यूबर तुम्हें बताते हैं कि भाई इसको 4 नहीं, इसको 2 करना है, बिल्कुल नहीं गाइस, इसको तुम्हें भाई फुल करना है एकदम 4 core, ठीक है। रैम को तुम हाफ कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास 8 GB है तो उसको 4 GB कर सकते हो, लेकिन जो कोर है वो भाई उसे फुल रखना है। जैसे तुम्हारे पास अगर 2 core है तो उसको भाई 2 core कर देना। नेक्स्ट सेटिंग गाइस यहाँ पर तुम्हारे डिस्प्ले की आती है। डिस्प्ले पे गाइस देखो, लो एंड पीसी या फिर लैपटॉप है तो 540 यहाँ पर जो रिजोल्यूशन होता है सबसे लो वो रख सकते हो, 720 भी रख सकते हो, और यहाँ पर अगर अच्छा खासा पीसी है तो भाई 1920 1080p तक रख लेना अगर अच्छा खासा डिवाइस है तो। जैसे मेरे पास तो भाई बहुत ही लो एंड लैपटॉप है भाई, तो यहाँ पर मैंने सब कुछ लो पे रखा हुआ है, और जो DPI ये सब तो भाई डिफॉल्ट है, ये सब तो तुम DPI उतना मैटर नहीं करती यहाँ पर। अगली सेटिंग गाइस ग्राफिक की, ग्राफिक सेटिंग यहाँ पर तुम्हें परफॉर्मेंस पे रखना है। ग्राफिक इंजन मोड और ग्राफिक रेंडर ये OpenGL रहेगा, इंटरफेस रेंडर ऑटो रहेगा, ASTC टेक्सचर अगर लैपटॉप है तो भाई सॉफ्टवेयर डिकोडिंग पे कर देना, अगर PC है तो हार्डवेयर पे रख देना है, ठीक है। और GPU इन यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग गाइस, इसको तुम्हें भाई इनेबल करना है, जो भी तुम्हारे यहाँ पर लैपटॉप या फिर PC में ग्राफिक कार्ड होगा वो यहाँ पर इसमें ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट सेटिंग है तुम्हें यहाँ पर, बाकी सब कुछ में डिफॉल्ट रहना है, और यहाँ पर फोन पे तुम आसूस ROG 2 रख सकते हो, इसमें मेरे को काफ़ी बढ़िया लगता है तो मैंने ये रखा हुआ है। यूज़र डाटा पे आना है, और यहाँ पर डिस्क क्लीनअप देखने को मिलेगा, फ्री अप स्पेस पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा गाइस, तुम्हारे जो भी ब्लूस्टेक एमुलेटर में जो भी कैचे वगैरह बनता है, जो भी अनवांटेड फाइल बनती है तुम्हारे एमुलेटर की, वो सभी यहाँ पर क्लीन हो जाएंगी। तुम्हारा एमुलेटर भाई बहुत ही मक्खन की तरह वर्क करने वाला है, तो एक बार इसको जरूर से क्लीनअप कर लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, कंप्लीट बता रहा हूँ यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा, 5 to 10 minutes ले सकता है, अगर PC अच्छा है तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, अगर स्लो है तो भाई थोड़ा सा टाइम लेगा, तो थोड़ा पेशेंस रखना, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेटिंग यहाँ पर तुमको यहाँ पर सर्च करना है गाइस, यहाँ पर ग्राफिक सेटिंग, ठीक है, ग्राफिक सेटिंग सर्च करना है। ग्राफिक सेटिंग सर्च करोगे तो यहाँ पर तुम्हें जाना है सेटिंग पे, यहाँ पर तुम लोग को देखने को मिलता है, ये मैंने ब्लूस्टेक पहले से इसमें ऐड किया हुआ है। अब तुम लोग को ये कैसे ऐड करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो ये ब्लूस्टेक 5 का यहाँ पर फोल्डर ओपन हो चुका है। शायद तुम्हारे में ये ओपन ना हो तो तुम्हें जाना है दिस PC पे, वेट गए दिस PC पे जाना, और यहाँ पर जाना C ड्राइव पे, उसके बाद तुम्हें जाना है प्रोग्राम फाइल्स पे,
प्रोग्राम फाइल्स पे गाइस तुम लोग को अपने यहाँ पर जो भी एमुलेटर पे तुम खेल रहे हो उसका फोल्डर देखने को मिल जाएगा। मैं ब्लूस्टेक 5 पे खेल रहा हूँ तो ब्लूस्टेक NXT देखने को मिल गया मेरे को यहाँ पर। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर तुम्हें ढूंढना है HD प्लेयर। तो HD प्लेयर ये रहा, इस पर मैं ऐड करूँगा इसको, और ऐड करने के बाद तुम लोग देख सकते हो कि मेरा पहले से ऐड है तो यहाँ पर ऑलरेडी एडेड दिखा रहा है। ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर तुम्हें देख तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, विंडो डिसाइड या फिर पावर सेविंग या फिर क्या कहते हैं तुम्हारा हाई परफॉर्मेंस। तो हाई परफॉर्मेंस पर क्लिक कर देना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट सी है। नेक्स्ट सेटिंग तुम्हें यहाँ पर सर्च करना, मतलब नेक्स्ट सेटिंग के लिए तुम्हें यहाँ पर अपने ब्लूस्टेक 5 पे राइट क्लिक करना है, उसके प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, कंपैटिबिलिटी पे क्लिक करना है उसकी। अब यहाँ पर देखो गाइस बहुत ही जरूरी सेटिंग है, बहुत सी यूट्यूबर तुम्हें बताते हैं कि भाई यहाँ पर जो चेंज हाई DPI सेटिंग है ना गाइस, इस पर मतलब कुछ लोग बताते हैं इस पर जाओ और यहाँ पर जो ये हाई DPI स्केलिंग ओवरराइड है इस पर तुम क्लिक करो और इसको यहाँ पर सिस्टम इन्हेंस पे क्लिक कर दो। गाइस ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिनके पास PC है, जिनके पास डेस्कटॉप है उन्हीं के लिए, पर जिनके पास लैपटॉप है भाई तुम्हें इसको ऑन नहीं करना है, तुम्हें इसको भाई ऑफ करना है, अनटिक करना है और अनटिक करके ही ओके कर देना है, ठीक है। इसको टिक मत करना, अगर टिक है तो अनटिक कर दो, अगर टिक नहीं है तो भाई जो भी मतलब एप्लीकेशन रहने देना डिफॉल्ट, भाई सिस्टम इन्हेंस करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर तुम लोग विंडो 8 या फिर जो भी तुम्हारी विंडो है सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर एक ये तीनों जो ऑप्शन है गाइस, ठीक है, फुल स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन ये सब तुम्हें टिक कर देने हैं और तुम लोग देख सकते हो। कॉपी मतलब स्क्रीनशॉट लेना है इसका, यार पॉज कर लेना थोड़ी सी वीडियो, थोड़ी अगर तेज़ हो रही है तो थोड़ा स्लो करके देख लेना। अब तुम्हें यहाँ पर सर्च करना है व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग, ठीक है, ये तुम्हें सर्च करना है और एडवांस पे जाना है और इसके सेटिंग पे क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो तीन ऑप्शन देखने को मिलता है, लेट विंडो चूज यूर कंप्यूटर वाला और एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस और एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस, तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो तुम्हें यहाँ पर एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है और इसके बाद तुम्हें एक ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर स्मूथ एज ऑफ स्क्रीन, कुछ ऐसा स्क्रीन आइकन, ठीक है, इस पर क्लिक करके इसको ओके करना है। इससे क्या होगा जो तुम्हारे आइकन वगैरह है ना वो थोड़े से ब्लरी नहीं आएंगे, उनके पिक्सल डाउन नहीं होगा तो वो शार्प आते एकदम। अब तुम्हें यहाँ पर गाइस राइट क्लिक करना है विंडो पे और यहाँ पर रन कमांड पे जाना है, यहाँ पर सर्च करना है MS config सर्च करोगे तो यहाँ पर तुम्हें जाना है बूट वाले ऑप्शन पे, उसके बाद तुम्हें जाना है एडवांस ऑप्शन पे, इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर तुम लोग को देखने को मिलता है नंबर ऑफ प्रोसेसर, ये तुम्हारा अनटिक होगा, ठीक है, बेसिकली ये तुम्हारा ऑफ होगा तो इसको टिक करके सबसे पहले ऑन करना। और जितने भी यहाँ पर हाईएस्ट नंबर है, अगर जिसके में 4 है, जिसके में 8 है, जिसके में 12 है, ये तुम्हें यहाँ पर इसको ऑन कर देना है। ये बेसिकली होता है तुम्हारा जो भी तुम्हारे लैपटॉप या PC पे कोर होते हैं ना, जैसे मेरे 4 कोर है तो मेरे में 8 है मैक्सिमम नंबर, तुम्हारे में अगर 2 कोर होगा तो ये तुम्हारे में 4 होगा, जिसके में 6 कोर होगा उसमें ये 12 होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है, इसको तुम्हें वो अप्लाई करके अपने PC या फिर लैपटॉप को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है, ये जरूरी है, ठीक है, रिस्टार्ट करोगे तब ये अप्लाई होगा। अगली सेटिंग गाइस यहाँ पर है तुम्हारे यहाँ पर टास्क बार पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद जाना है टास्क मैनेजर पे और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर प्रोसेस में देखने को मिल जाता है तुम्हारा जो ब्लूस्टेक 5 या फिर जो भी एमुलेटर है वो रन कर रहा होगा यहाँ पर प्रोसेस में। और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मैंने बैकग्राउंड में फ्री फायर अपना ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर तुम लोग को ब्लूस्टेक वाले पे राइट क्लिक करना है, ब्लूस्टेक एमुलेटर पे इस पर राइट क्लिक करना, इसकी गो टू डिटेल पे जाना है, इसकी डिटेल यहाँ पर कंप्लीट निकल जाएगी। तुम लोग देख सकते हो गाइज यहाँ पर ब्लूस्टेक में कितनी फाइल्स एक बार में रन करती हैं। HD प्लेयर पे तुम्हें राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करोगे ना यहाँ पर सेट प्रायोरिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है, ये तुम्हारी नॉर्मल पे होगी, नॉर्मल होती है, मेरी भी नॉर्मल ही है, इसको हाई पे कर देना है, ठीक है। हाई करोगे तो यहाँ पर इससे तुम्हारा क्या होगा जो CPU यूजेज है वो ब्लूस्टेक को ज़्यादा मिलेगा और तुम्हारा ब्लूस्टेक जो है वो बढ़िया से वर्क करेगा, ठीक है। और ये हमेशा चेंज होती रहती है, जब भी तुम अपने ब्लूस्टेक को ऑफ करोगे ये फिर से दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी, तो इसको जब भी अपने एमुलेटर को एक बार ओपन करो तो भाई इसको वो कर लेना। अब गाइस इसके अलावा भी लैग होने का एक बहुत बड़ा कारण है गाइस, वो है यहाँ पर तुम फ्री फायर मैक्स पे खेलते हो और तुम्हारे पास लो एंड डिवाइस होता है, उसके बावजूद भी हम फ्री फायर मैक्स पे खेलते हैं, जबकि फ्री फायर नॉर्मल भी आपको मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा गाइस, तुम लोग या तो गूगल पे सर्च करें नॉर्मल फ्री फायर, या फिर तुम लोग यहाँ पर जा सकते हो किसी यूट्यूबर की लिंक तुमको मिल जाएगी, वो यूट्यूबर तुमको दे देगा, तो वहाँ से डाउनलोड करो यार फ्री फायर नॉर्मल। एक और सेटिंग है गाइस, वो यहाँ पर तुम्हारी बैटरी की सेटिंग होती है, बैटरी तीन ऑप्शन होते हैं बैटरी में, तुम लोग मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। सबसे स्लाइड में आओगे बैटरी सेवर आता है, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना तो यहाँ पर आता है बेटर बैटरी, ठीक है, मतलब बैटरी यूज़ कम होगा, फिर आता है बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है, फिर उसके बाद आता है बेस्ट परफॉर्मेंस। तो हमेशा तुम्हें यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस पे रखना है इसको, जिससे क्या होगा तुम्हारा लैपटॉप या फिर तुम्हारा तो लैपटॉप पे होता है बेसिकली, लैपटॉप एकदम स्मूथ चलेगा, ठीक है। और हमेशा अपने जो बैटरी है जब भी गेम खेलते हो तो भाई इसको प्लग इन करके खेला करो, मतलब अपने लैपटॉप को चार्जिंग पे रख के खेला करो, अगर गेमिंग लैपटॉप है तो मत करना क्योंकि बहुत ही जल्दी भाई एकदम उसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं बैटरी के। बट अगर नॉर्मल या फिर लैपटॉप है जिसमें गेमिंग थोड़ा सा लैग हो रही है तो भाई हमेशा चार्ज ऑन करके खेला करो, बेस्ट चलेगा। तो यही था गाइस इस वीडियो पे, यही कुछ सेटिंग्स थी जो यहाँ पर
लेग फिक्स की थी। इससे रिलेटेड और भी कुछ सेटिंग है वो मैं तुम्हें यहाँ पर अगली वीडियो में बता दूंगा, तो उसके लिए भाई सब्सक्राइब करना और 200 लाइक्स कंप्लीट करा देना। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।